हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, कल मैंने एक वीडियो बना के बताया था आपको कि नीट का एग्ज़ाम जो है, जिसके पेपर को लीक होकर जो बात चल रही है कि पेपर लीक हो गया, वो टोटली फेक है। मैंने बताया तो कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे मेरी कल की वीडियो पे कि नेशनल लेवल के मीडिया में न्यूज़ चल रही थी तो फेक कैसे हो सकती है, फेक न्यूज़ नहीं हो सकती। तो देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर बता दूँ, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इस पर किसी का नाम लेना सही नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी एजेंसियाँ होती हैं, बहुत सारे ऐसे एजेंट होते हैं जिनका काम होता है वो भोले भाले बच्चों को बहला फुसला कर बोलते हैं कि हम जो पेपर कल होने वाला है, 12 तारीख को जो पेपर होने वाला है, उसको आपको 10 तारीख को अवेलेबल करा देंगे या फिर 11 तारीख को पहले ही अवेलेबल करा देंगे। वो उनसे मोटी कमाई करते हैं, मोटी रकम वसूलते हैं, और आपको पता है कि एक बार एडवांस मिल गया तो वो रिटर्न तो करने वाले हैं नहीं। तो इसमें क्या है, वो बच्चों को पागल बनाते हैं। बच्चों के पेरेंट्स जिनके पास पैसे होते हैं वो एडवांस पैसे दे देते हैं, उनके पैसे भी डूब जाते हैं और बाद में कुछ नहीं होता। तो वो कुछ अफवाहें फैला देते हैं कि हम वो पेपर आपको प्रोवाइड कराएंगे जो अगले दिन या फिर दो दिन बाद नीट में होने वाला है। तो ये बातें कहीं से लीक हो जाती हैं, तो इससे अफवाह उड़ जाती है कि नीट का पेपर लीक हो गया। कई बार ऐसा होता है कि वो लोग बच्चे बदल देते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे एग्ज़ाम में बैठना है, तो मेरी तैयारी अगर अच्छी नहीं है, मैंने सेटलमेंट कर लिया, तो मैं किसी दूसरे को एग्ज़ाम में बैठा दूंगा। देखिए, हमारे भारत देश में ये सब चीज़ें होती आई हैं, मैं मानता हूँ कि बहुत कुछ होता होगा, लेकिन इतना क्लियर है कि आपका नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है, इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। अच्छे से तैयारी करिए, फालतू की अफवाहों में ना पड़िए, क्योंकि आप ट्विटर पे देखेंगे, आप इंस्टा पे देखेंगे, आप कहीं भी देखेंगे, हर जगह पे यही न्यूज़ चल रही है, पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हुआ। मैंने कल रात को भी क्लियरली बता दिया था कि NTA का स्टेटमेंट आया कि हमारा जो पेपर होने वाला है वो लीक नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि NTA करप्ट है, ये है, वो है। तो देखिए, NTA ना मेरा कोई घर का आदमी है NTA में, और ना ही NTA से मेरी कोई दोस्ती है। मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाता हूँ, लेकिन जो हमें अच्छा लगता है जांच पड़ताल करने के बाद, वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आप लोग सब अफवाहों से दूर रह के अच्छे से पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।